इंदौर से आए निकाले जाए यहाँ, हमको थोड़ा कम सुनाता है ना, थोड़ा सा पीछे जो लस है वो ज़्यादा दिक्कत देती है हमको सुनने में, और बाकी समझने में भी थोड़ी दिक्कत रहती है। यहाँ अभी आए तो आपने दवाई दी और होम्योपैथी जो दवाई आती बारीक वाली टेबलेट वो दिया और कान में दवाई डाला। देवेंद्र शर्मा, पहले से तो काफ़ी जो है प्रोग्रेस आए, और अभी पहले जब आप चेक किए थे तो एकदम नज़दीक हो के बोल रहे थे तब वो समझ में आ रहा था, और कभी जब बाद में दवाई डलने के बाद जो चेक किए हैं तो डबल से भी ज़्यादा डिस्टेंस से आपने बात किया तो उनको समझ में आया। मेरा ऐसा है जो भी मेरे जैसे है और आए और इसका लाभ ले क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे लोगों के लिए बहुत दिक्कत होती है, चार लोगों में बैठना नहीं हो पाता, उनका कहीं आना जाना नहीं हो पाता, पढ़ाई में भी दिक्कत होती, बहुत सारी दिक्कत होती है और मेंटली टेंशन अलग हो जाता है, किसी की बात नहीं सुन पाते हैं तो बहुत परेशानी होती है, इसलिए मतलब ईयर होना बहुत जरूरी है। सर अब ये पहले से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं भी मुझे भी अच्छा लगा कि मतलब मुझे लाउडली बोलना पड़ता है तो ये पूरी तरह ठीक हो जाएगी, तो नॉर्मली जैसे अपन बात करते हैं वैसे कर पाएंगे। हल्कापन सा लग रहा, थोड़ा कानों में जो भारीपन सा था वो हल्का लग रहा हमको अपने आप, और हमें लगता है शायद हो जाए पूरी तरह से, और मैं आपके पास एक बार जरूर आऊँगी, इसीलिए मैं 3 महीने का कोर्स का बोला था कि मैं 3 महीने बाद एक बार फिर आते हम लोग, पर आपने 6 महीने का दिया, 6 महीने बाद आ जाएंगे तो ये विश्वास के लिए सही बात। थैंक यू सर। ओके सर।